नाम? उमा पुत्री, मंदिर में चढ़ाने के लिए फल ले आ। मैं भार्गवी। मैं भार्गवी को श्रीनिवास से दूर रखना चाहता हूँ, किंतु भार्गवी की बार बार श्रीनिवास के बारे में पूछते रहती है मुझसे। मैं चाहता हूँ कि श्रीनिवास का ध्यान भी ना आए भार्गवी को। कुमार वासु, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक ऐसा मार्ग है जो भार्गवी को व्यस्त रखेगा। मैं उसे पूजा पाठ में ऐसे उलझा दूंगी कि उसे समय ही नहीं मिलेगा उस श्रीनिवास के बारे में सोचने का। आप मुझ पर छोड़ दीजिए सब। तुम्हें क्यों होगी चिंता भला? तुम्हें करना ही क्या? तुम्हें तो यहाँ मस्ती करनी है बस। किंतु वासु ने मुझसे क्या कहा है वो ज्ञात है तुम्हें? ऐसा क्या कह दिया? वो मुझे प्रसन्न करने के लिए मेरे लिए वस्त्र भिजवा रहा है। अभी तो अच्छी बात है ना, आपके लिए राजसी वस्त्र आ रहे हैं, वो भी भेंट में। आपको कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, आज वो वस्त्र भिजवा रहा है, कल को कुछ। आपको चिंता किस बात की थी कि कहीं आपको कोई पहचान ना ले? यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है, यहाँ तो वासु आपको देख के कन्या समझ के मोहित हो चुका है। ये तो बहुत अच्छी बात है। किंतु मैं भार्या नहीं बनने वाला। नहीं नहीं गोविंदा, समझिए समझिए, देखिए ये है वासु की समस्या और ये हो आप। अभी आपको क्या करना है, वासु की इस समस्या को त्याग देना है। मैं हूं ना, तुम कह रहे हो, इसीलिए मैं ये बात मान रहा हूँ कि तुम उस वासु का कुछ ना कुछ खरीदोगे। अरे वहाँ आपके वस्त्र रखे, जाके धारण कर लीजिए। आपको अभी शीघ्रातिशीघ्र भार्या बन के मंदिर में जाना है। वस्त्र तो मैं पहन लूंगा, किंतु ये मंदिर क्यों जाना है आप? वो इसलिए क्योंकि आज संध्या काल में कथा वाचन होगा। आपको मंदिर के पुजारी से भेंट करनी है और उनसे एक विशेष विनती करनी है। क्यों? क्योंकि उसके पश्चात ही मेरी सबसे बड़ी योजना प्रारंभ होगी। भार्गवी, उमा, अब मंदिर जाने का समय हो गया है, तुम दोनों भी साथ में चलो। हमें भी चलना है। और नहीं तो क्या, जन्माष्टमी का उत्सव तो हो गया और आज कथा वाचन है मंदिर में और गांव की सभी स्त्रियां आ रही है। यदि तुम दोनों मेरे साथ नहीं चलोगे तो क्या सोचेंगे ना सब। अरे चलो चलो, समय व्यर्थ मत करो, चलो। पता नहीं ये श्रीनिवास नाम की समस्या से कब छुटकारा मिलेगा मुझे। प्रणाम पंडित जी। आइए आइए, आरती बस आरंभ होने वाली है, उसके बाद कथा पढ़ी जाएगी। अरे भार्गवी, वहां कहां जा रही है? यही राजकुमारी पद्मावती के साथ रहे। अब हम कथा आरंभ करेंगे। आज संध्या काल में कथा वाचन होने वाला है। आपको मंदिर के पुजारी से भेंट करनी है और उनसे एक विशेष विनती करनी है। क्षमा कीजिए पंडित जी, इससे पूर्व कि आप कथा आरंभ कर दें, मेरे मन में एक बात है जो मैं सबके समक्ष कहना चाहती हूँ। यदि आप सभी को आपत्ति ना हो तो क्या मैं वो बात कह दूं? हाँ हाँ बिल्कुल कहो पुत्री। धन्यवाद। बात यह है कि आज सवेरे से ही मेरे मन में ये बात चल रही है। वो यहाँ पर बहुत सी स्त्रियाँ जानती हैं कि मेरे पति आज सवेरे नदी किनारे वृक्ष से नीचे गिर गए थे और जिससे उन्हें बहुत अधिक चोट भी आई थी। मैंने मना किया था उन्हें वृक्ष पर चढ़ने से, किंतु उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। तब से मेरे मन में बस यही एक बात चल रही है कि
कि मेरे पति तो मेरी कोई बात मानते ही नहीं है और ना ही मुझसे ठीक से प्रेम व्यक्त करते हैं, जबकि मैं तो उनकी बस एकमात्र पत्नी हूँ। किंतु श्री कृष्ण की तो कितनी सारी पत्नियां थी, फिर वो सभी से एक जैसा प्रेम कैसे कर लेते थे? उनमें से किसी भी पत्नी को ऐसा नहीं लगता था कि श्री कृष्ण उनसे कम प्रेम करते हैं। और तो और श्री कृष्ण कितनी सारी गोपियों के साथ भी व्यवहार करते थे, ऐसा प्रेम तो एकमात्र मेरे आराध्य श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। किंतु मेरा प्रश्न यह है कि क्या कोई मनुष्य भी इस प्रकार का प्रेम कर सकता है? प्रश्न अच्छा है, किंतु इसका उत्तर समझने के लिए आपको सबसे पहले श्री कृष्ण को समझना पड़ेगा। कृष्ण ही वो व्यक्ति हैं जो हर प्रकार की समस्या में सदैव सबकी सहायता करेंगे। वो कभी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ नहीं दिखाते, किंतु वो भली भांति जानते हैं कि कब कहां कौन पीड़ा में है और वो सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। वो बस एक साधारण व्यक्ति प्रतीत होते हैं जो गैया चराते हैं, माखन से मोहित हैं, बांसुरी बजाते हैं, मीठी बातें करते हैं। हम सबको हमारे जीवन में एक कृष्ण तो खोजना ही चाहिए, और वो कृष्ण तुम्हारे पति भी हो सकते हैं, तुम्हारे मित्र भी हो सकते हैं, तुम्हारे प्रेमी भी। तो सदैव स्मरण रखना, आपके जीवन में जो कृष्ण हैं, चाहे वो कोई भी हो, ऐसा मत सोचिए कि उन्हें आपकी चिंता नहीं है या वो आपसे प्रेम नहीं करते। पंडित जी सही कह रहे हैं, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि श्रीनिवास मुझसे प्रेम नहीं करते, केवल इसलिए कि हमारे विवाह से पूर्व वो भार्गवी से प्रेम करते थे। मेरे वस्त्र कहाँ गए? वही उस पत्थर पे तो रखे थे मैंने वस्त्र। वस्त्र तो वहाँ है। जो बातें पंडित जी ने कही वो सब कृष्ण के गुण तो वेंकटेश में भी है, किंतु ये सब उसमें कैसे हो सकता है? कृष्ण और उसका क्या संबंध है? पद्मावती और भार्गवी को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि श्रीनिवास की जो भी योजना है वो शीघ्र ही सफल होने ही वाली है। और कितनी प्रतीक्षा करनी होगी मुझे, कब खत्म होगा ये कथा वचन? मुझे भार्या को भेंट देनी है, कितनी प्रसन्न होगी वो। कितनी अच्छी बात बोली ना पंडित जी ने श्री कृष्ण के विषय में। वासु, इसके पूर्व की ये पुनः मेरे पीछे पड़ जाए, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। भार्या, अरे सुनो तो। आप यहाँ कैसे? माखन खा रहे हैं? अब क्या है ना, आज का दिवस बड़ा ही विचित्र है। बहुत कुछ बुरा होते जा रहा है मेरे साथ। पहले मैं वृक्ष से गिरा, फिर मुझे चोट लगी, फिर पश्चात भारिया मुझसे रुष्ट हो गई, तो मैं इतना दुखी हो गया। फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मुझे आनंद मिले, इसलिए यहाँ बैठ के माखन खा रहा हूँ। बड़ा अच्छा लगता है। वैसे कैसी रही मंदिर में पूजा? मुझे शीघ्र ही घर लौटना होगा। भार्गवी, एक प्रश्न विचारा है, आज आप इतने दुखी क्यों? मैं और दुखी? नहीं, किसने कहा आपसे कि मैं दुखी हूँ?
इस मन में जो भाव होते हैं ना, ये मुख पर दिख ही जाते हैं। यदि विश्वास नहीं है तो जल में अपना प्रतिबिंब देख लीजिए, सब ज्ञात हो जाएगा। वेंकटेश को कैसे ज्ञात हुआ कि मैं दुखी हुई?